वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन, वीडियो क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती है, जिससे कि वीडियो अगर आपकी मिस होगी तो आप जानते हैं फिर आपकी इन्फॉर्मेशन और क्लास के टॉपिक्स जो है वो भी आपके मिस हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रही है तो मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझको वीडियो या नोट्स परचेज करना है, तो आपको मिल जाएगा 7007659485। सभी वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ये नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो कि अभी तक का बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि 1 दिसंबर आपकी हो चुकी है। मैं तो यही चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी में हो जाए और डिले ना हो आपके कोविड को देखते हुए। तो डेट जो है वो आपकी 9 तारीख है, तो उसी के संदर्भ में आपको 1 मंथ में किस प्रकार से तैयारी करनी है सी लैंग्वेज की, बेसिकली क्योंकि सी की जो हमने वोटिंग की सबसे ज़्यादा आई थी, और इसकी सारी क्लासेस, मॉक टेस्ट, गेस्ट पेपर सब कुछ कंप्लीट हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी क्लास जुलाई के लिए दिए थे, फिर हम सितंबर के लिए आपको दिए, उसके बाद जब कैंसिल हुई तो फिर हमने जनवरी की भी क्लासेस आपको दी हैं, और सभी का मटेरियल अवेलेबल है, आप परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अभी भी बिना नोट्स के हैं तो बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिना उसके आपको दिक्कत होगी। हाँ, अगर आप BCA के स्टूडेंट हैं, रहे हैं, या MCA किया हुआ, या और कोई अदर टेक्निकल डिग्री आपके पास है टेक्नोलॉजी की, IT सेक्टर में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तब आपको नोट परचेज करने की जरूरत नहीं, इतना आपको ज्ञान होगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम जो बात करेंगे वो सी लैंग्वेज की है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपको देखनी है, और कौन कौन से नोट्स कैसे परचेज करने हैं, गेस्ट पेपर कैसे तैयार करना है, कैसे बेसिकली आपको इसका पूरा पैटर्न समझना है। तो इसको जो हमने जो तरीका अपनाया है और जो बनाया है स्टूडेंट के लिए, उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। हम आपको प्लेन टेक्स्ट पे ले चलते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेंट यहाँ से गायब हो गया है, चलते हैं पेंट पे, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हमने 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया है, बेसिकली आप चार पार्ट कह सकते हैं, लेकिन हम 3 ही अभी इसमें ऐड कर रहे हैं। पहला पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट, ठीक है, किस प्रकार से तैयार करना है अभी सब कुछ बताएंगे, आप बेफिक्र रहें, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसी से आपको तैयारी हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 1 मंथ बचा है आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा हम आएंगे थ्योरी पे, ठीक है, बेसिकली जो और अदर टॉपिक होंगे, IT टूल्स, इंटरनेट, सभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें जो आपके 3 पार्ट होंगे, बाकी सब में आपके बेसिकली 2 ही पार्ट में लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव और थ्योरी रहेगी। इसमें और 1 पार्ट ऐड हो जाता है यहाँ पे, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक है, और 2 पार्ट ऐड हो सकते हैं अगर हम इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें, तो उसको भी अभी हम कर देंगे, बेफिक्र है। अब ये जो है आपका 40 नंबर का है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और उनको कैसे आंसर आपको देना है वो हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी आपको दिखा देते हैं, इसका हम पेपर एक अवेलेबल हमारे पास ओल्ड सिलेबस का, वो कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। और इसका जो थ्योरी है, इसमें क्या क्या निपटाना है आपको, ठीक है, वो भी अभी क्वेश्चन मार्क रखते हैं, और प्रोग्राम में कौन कौन से पढ़ने हैं और कैसे उसको समझना है, ठीक है, वो भी हम अभी क्वेश्चन मार्क ही रखते हैं। तो अभी हम इस तीनों को यहीं पर रखते हैं। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे हम ले चलते हैं आपको। तो इसको तैयार करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो हम नोट्स आपको देते हैं उसमें हम कभी ऑब्जेक्टिव नहीं देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आपको यहाँ पे क्लास अवेलेबल कराते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए कौन कौन सी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सी की, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक तो ये है आपका पूरा M3 R5 R4, और एक और होगी अभी ये, इसमें आपके प्रीवियस मिल जाएंगे 2010 से लेके ऊपर तक के जो भी है लेटेस्ट में वो मिल जाएंगे यहाँ पे, और एक और होगी प्लेलिस्ट, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक ये है आपकी प्लेलिस्ट जिसमें है प्रोग्रामिंग का, ठीक है, एक ये 2 कोई प्लेलिस्ट नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के फिर आप बाद में सर्च कर लें, या इसके लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हिंदी, अगर बिल्कुल बेसिक से समझना है वो ये है, ठीक है, जिनको, लेकिन इसमें टाइम आपका ख़राब होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक और है आपकी, मैं अब उसको भी ढूंढ देता हूँ। हाँ, एक ये है आपकी, हाँ एक ये है जो कि मोस्ट है, ये लेटेस्ट है आपकी, ठीक है। तो इतनी है फिलहाल अभी, और बाकी जो होंगी उसका लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या हम उसको व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट में आपको जाना है, ठीक है। तो कहाँ से आपको प्रीवियस मिल जाएंगे। अब ये है पूरे प्रीवियस के पेपर्स के लिंक, नोट कर ले लिंक nilat.gov.in कंटेंट ओल्ड क्वेश्चन पेपर। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर जाके जाए नॉन फॉर्मल कोर्स पर जाएँ, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हमने ओपन किया है 2020 का पेपर और इसमें हम जा रहे हैं सी लैंग्वेज पे। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट है उसको हम देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं इसमें और कैसे उसको निकालते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली आउटपुट बेस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी इजी था। बेसिकली जो आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के आपको मिलेंगे। जैसे 1.8 में है पूरा, एक दे देगा, इसका आउटपुट हो गया 1.7 में, देखिए आउटपुट हो गया। तो ये वाले ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इस पर इसको कैसे हल करना वो ही मैं बताऊँगा, बाकी तो देखिए इसमें बाकी सब थ्योरी बेस है। अब ये है व्हाट इज़ द इनवैलिड हेडर। अब यहाँ पे इनवैलिड हेडर के बारे में, तो ये कैसे तैयार होंगे, इसके लिए जब आप प्रोग्राम को लिखेंगे, बेसिस कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये हेडर फाइल है, ये फुटर फाइल है, या फिर ये है यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी है, ये प्रिंट एफ का है, स्कैन एफ का है, कहाँ पे %d लग रहा है, कहाँ पे %s लग रहा है या c लग रहा है, उसके अनुसार आपको समझ में आएगा। क्लियर स्क्रीन हम लगा रहे हैं, गेट CHE लगा रहे हैं, या फिर रिटर्न 0 लगा रहा है, कहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, तो ये सब कहाँ से मालूम पड़ेगा जब इसको आप पूरा लिखेंगे सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो इसमें हेडर फाइल के बारे में आपसे पूछा कौन सी ठीक है, जैसे mat.h, matthew.h और string.h और ctype.h। तो जब आप ये इसको करेंगे प्रैक्टिस, तो ये आपको तैयार हो जाएगी थ्योरी पे, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा है कीवर्ड। अब ये कीवर्ड की थ्योरी आपको देखनी पड़ेगी इसके पढ़ने के लिए। इसके लिए भी आपको थ्योरी पे जाना पड़ेगा कि हाँ हमको स्ट्रिंग कैरेक्टर जो है एंड करना है, उसके लिए कौन सी है, फाइंड एक इंटीजर कॉन्स्टेंट, जिसको भी आप निकाल सकते हैं कॉन्स्टेंट को, और स्काई में कितने कीवर्ड होते हैं, ये सारी सब थ्योरी में आपको मिलेगी जब थ्योरी पढ़ेंगे आप। ये भी आपको थ्योरी में मिलेगा। ये क्वेश्चन जो आएंगे तो इसको आपको इसी में इसके आंसर होते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल्स होते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन का लेते हैं 1.8 को। अब देखिए इसमें क्या है, इंक्लूड स्टूडियो डाटा, ये आपको करने को तो वहाँ मिलेगा नहीं, आपको सॉफ्टवेयर तो दिया नहीं जाएगा कि हाँ फटाफट आप लिखिए और उसका आउटपुट आ गया। आपको सिर्फ कॉपी मिलेगी और पेन मिलेगा, वहीं पे आपको इसका आंसर लिखना है। बहुत ही सिंपल से होते हैं, जैसे कि इंक्लूड स्टूडियो .h, कोनिया .h, वाइड में लगाया, करेक्टर हमने लिया CH, इंटीजर I लिया, C बराबर लिया कैपिटल G और I इक्वल टू CH-A, ठीक है। प्रिंट एफ है % d, I, तो I में ही वैल्यू उसकी स्टोर करानी है। तो देखिए G तक से अगर हम पहले आते हैं तो कितने हमारे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने घुमाने के लिए क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए ABCD का इस्तेमाल किया, और ऑप्शनल में देखिए यहाँ पे 5, 6, 7, 8 दिया है, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं देना चाहिए। अब देखिए A B C D E और F, कितने वर्ड होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हमको यही प्रिंट करना है बेसिकली। अगर यहाँ पे हम लिखा होता 7, तो 7 का मतलब क्या है, 7वां नंबर तो आपका G हो गया, ठीक है। तो G 7 से पहले की हमको वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी कि जो लूप टर्मिनेट हो वो G के बाद ना जाए, वही यहाँ पे प्रिंट करना है। A से लेकर G के बीच में कितनी वैल्यू आएंगी, तो 6 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट आएगी। इसका आउटपुट अगर निकालते हैं इस प्रोग्राम का, तो देखिए किस प्रकार से आएगा। इसी जगह वैल्यू भी दी जा सकती थी, लेकिन आपको वैल्यू ना दे के यहाँ पे आपको दिया गया है अल्फ़ाबेट। मैं इसका दिखा देता हूँ लाइव। तो इस प्रकार के प्रोग्राम आपको तैयार करने हैं। सेम उसी तरह से कंडीशन इसमें भी है, ठीक है। तो मैं सारे हल नहीं कराऊंगा, और अभी हम प्रोग्राम पे आते हैं। इसमें नीचे जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें देखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे पेश करते हैं, ठीक है। रन कराइए, नीचे आउटपुट में आपको मिल जाएगा 6, ठीक है। मिल गया 6 आ गया इसका आंसर। पता मालूम पड़ गया आपको कौन सा ऑप्शन सही है, 1.8 का B, ठीक है। तो वही यहाँ पे करना था। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ABCD की वैल्यू ली गई है। अब आप सोचेंगे इसमें तो आउटपुट में 5, 6, 7, 8 आता है, यहीं पे अपना दिमाग लगाना है आपको, सिर्फ इतने आपको करना था। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ना ही कोई इसके लिए थ्योरी पढ़ने की जरूरत। इसलिए इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में आंसर रहेगा, और बेसिकली जो होंगे वो इसी प्रकार से होंगे। या तो ग्रेटर देन होंगे, या लेस देन होंगे, या प्लस हो रहा होगा 1, या -1 हो रहा होगा, या +2 हो रहा होगा। इसी कंडीशन पे आगे पीछे इसके आंसर होंगे, इससे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। या मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, डिवीजन, मैथ का ये कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा होगा, जिससे कि आप फटाफट देख के निकाल सके कि हाँ हम यहाँ पे मान ली 1 लिखेंगे तो उसका प्लस होकर कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या मल्टीप्लीकेशन होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पूछी गई है वो बेसिकली ग्रेटर है, यानी कि जी के बाद हमको इसकी वैल्यू नहीं दिखानी है, उससे पहले कितनी वैल्यू प्रिंट होंगी 6 तक, तो टर्मिनेट हो जाएगा बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे सब प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस कंपाइलर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सबसे बेस्ट है। तो ये आपको सारे यहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ फटाफट आप जाएं और सभी को डाउनलोड कर लें और इसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। इसमें से को आएंगे नहीं, लेकिन पैटर्न आपके यही रहेंगे। थ्योरी वाले हो सकता है आपको एक आध देखने को मिल जाए, लेकिन ये जो आउटपुट वाले होते हैं ये रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखिए सभी में लगभग वही उसी प्रकार के प्रोग्राम होंगे। देखिए यहाँ पे आया सब आपके प्रोग्राम, इसी में आपके नंबर कट जाते हैं, बाकी तो आप ये पूछ पाछ कैसे भी कर लेते हैं, ये सब थ्योरी बेस होते हैं। ठीक है, नंबर जो कटेंगे वो इसी में कटेंगे। अब देखिए, ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले सभी में, बाकी लगभग आपकी थ्योरी आई है। इतने इतने सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछे गए। अब इसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम है जो ये इसमें पूछा गया है, दूसरा निकालते हैं। तो ये जितने भी हैं सभी को आप निकाल लें और सेव कर लें मोबाइल पे, और कंप्यूटर पे आपने कॉपी पे लेके इसको प्रैक्टिस करते रहें। अपने आप पहले खुद इसके आंसर सर्च करें, टिक करें कितने आप सही कर रहे हैं कितने गलत कर रहे हैं। उसके बाद आप जाके चैनल पे वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, यहाँ पे सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, करीब 87 वीडियो है, इसमें सारा सोल्यूशन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें भी देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए। ये आपका मल्टीप्लीकेशन बेस है, जब भी कोई स्टार वगैरह लगा हो तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो तो समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन बेस है। और अधिकतर केस में जो होता है कभी कभार क्या होता है कंपाइलर एरर भी आ जाती है, तो वो भी आपको समझना है। वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप कंडीशन समझ जाएंगे इसमें क्या कहा जा रहा है, कि हम यहाँ पे क्या फिलअप करें, 1 फिलअप करें, 2 फिलअप करें, तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी आगे, और वो मैच कर रही है कि नहीं इन दोनों कंडीशन से और उसके आउटपुट से। तो आप समझ जा सकते हैं कि हाँ वैल्यू ठीक है, नहीं तो फिर आप कंपाइलर एरर लगा दें या फिर रन टाइम एरर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1.7। एक यहाँ पे आपका आया 1.4 में इंटीजर i बराबर l है, वाइल लगाया, जबकि अब ये i इज लेस देन 10। अब इसमें देखिए 1.4 का अगर ऑप्शन देखें तो इसमें बेसिकली अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें आपसे पूछा गया कि कौन कौन सा जो है वैल्यू प्रिंट होनी है वो आपसे पूछा गया, यानी कि कंडीशन जो होगी वाइल लूप मस्ट करेगी या कौन सी कंडीशन वेरी करेगी, वो आपको कंडीशन बनानी है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, लूप के जो टॉपिक्स हैं उसी से ये बेसिकली कंडीशन तैयार होती हैं अधिकतर। तो लूप में आपके फॉर हो गए, वाइल हो गया। ठीक है, इनके एग्जांपल आप देखना स्टार्ट कर दें, फॉर, वाइल, डू और इफ, एल से इफ, ये जो कंडीशंस हैं इन सभी के आप गूगल पर सर्च कर लें या फिर चैनल पर देख लें, या कहीं आपके पास बुक हो कोई उसमें देख लें। इनके ही आपको जो है अधिकतर क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब ये तैयार कर लेंगे तो ये छोटे मोटे जो हैं वो साथ में ही इसके निपट जाएंगे आपके। ठीक है, बाकी ये सारे थ्योरी बेस हैं जो आपके, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ पूरी PDF के साथ। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए पहला जो पोर्सन, मैंने अभी आपको 3 पोर्सन बताए हैं इसमें, तो पहले 3 पार्ट में जो बताया, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको उठाने हैं पूरी PDF। ठीक है, उसमें कौन कौन से लूप के जो कंडीशन वाले हैं आपके वो वाले क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का यहाँ से तैयार हो गया, और थ्योरी वाले जो थ्योरी जब आप इसके प्रोग्राम को बनाएंगे तो थ्योरी से ही आपके इसके टॉपिक जो है तैयार होते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। 40 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव है या ट्रू फॉल्स है वो सब इसी से ही आएंगे मिलते जुलते, बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। दिक्कत ये होगी कि हाँ अगर आपको आउटपुट वाले आएंगे तो ये आप गलत करेंगे। दूसरे पार्ट में आते हैं, पहला कंप्लीट हो गया आपका 40 नंबर। दूसरे में आते हैं जो कि है हमारे पास थ्योरी। थ्योरी क्या आएगा, क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए अगर आपके पास कोई बुक हो अच्छी बात है, PDF हो कहीं की कोई बात नहीं, अगर हमारी है चैनल की तो और अच्छी बात है, गेस्ट पेपर है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपके पास कम से कम होना चाहिए अगर आपको तैयार करना है थ्योरी। अब इसके करना क्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं फटाफट। देखिए पूरी किताब अगर आप वो पढ़ेंगे जो भी आपके पास है उसमें कम से कम 300 से 400 पेज जरूर से ज़रूर होंगे। ठीक है, अब ये जैसे कि जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं उसमें देखिए हमने पूरे टॉपिक डाले हुए हैं और इतने टॉपिक हैं, तो इतने टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सब इसी से में आएगा और हर टॉपिक से आता है। तो सबसे ज़्यादा जो आते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह वो यहाँ से यहाँ तक आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑपरेटर हो गया, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल थ्योरी है। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे पैराग्राफ लिखे होंगे, इसमें डेटा टाइप्स होंगे, उनके एक एग्जाम्पल्स होंगे। ये इतने डेटा टाइप्स होते हैं, इतने आपके वेरिएबल्स होते हैं, इतने कॉन्स्टेंट होते हैं, इतने ऑपरेटर होते हैं। इस प्रकार की थ्योरी आपको हर बुक में ही देखने को मिलेगी, या नोट में। आपको कोई भी नोट लेंगे तो उसमें सभी में आपको इस प्रकार के पैराग्राफ के अंदर डेटा लिखा होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पूरे डेटा पैराग्राफ के अंदर लिखे होते हैं, उसके आगे एग्जाम्पल। ये सभी में आपको बुक में मिल जाएगा कि ऑपरेटर्स क्या है, करेक्टर क्या है, ये देखिए इस प्रकार से हैं, कीवर्ड्स वगैरह क्या है, इस प्रकार सब मिल जाएंगे। तो ये इतनी चीज़ आपको पता करनी है कि हाँ कौन कौन से कीवर्ड है, उसके नाम आपको हाईलाइट करना है। इसी पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपके इसी के ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, और इसी के आपके ट्रू एंड फॉल्स या फिर मैच द कॉलम, ये सब इसी से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से टॉपिक शुरू के जो मैंने बताया उसको आप जरूर हाईलाइट कर लें। ये इंट्रोडक्शन हो गई, हिस्ट्री हो गई, कीवर्ड्स होगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, डेटा टाइप, इसमें फ्लो चार्ट और ऐड कर लें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट। और कांस्टेंट ऑपरेटर, उसके बाद है स्टेटमेंट, ज़्यादा नहीं आता है। लूप, लूप से आपके बनेंगे वाले क्वेश्चन, जो आपके मैंने बताया अभी, आउटपुट वाले। ठीक है, तो ये टॉपिक हैं ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, इन सब के लिए हो गया आपका यहाँ से काम खत्म। अब थ्योरी पे हम बात कर रहे हैं, तो थ्योरी स्टार्ट करेंगे सीधे हम लूप से, जो कि क्वेश्चन बनेंगे। लूप हो गया, स्टेटमेंट हो गया, एरे हो गया, स्टोरेज क्लास, इनपुट आउटपुट, फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर और यूनियन। और देखते हैं नीचे क्या बचा है, इसमें वो भी मैं आपको ऐड कर दूंगा इसमें। हाँ, एक ये टॉपिक है रिकर्सन और प्रोसेसर और फाइल हैंडलिंग। तो ये टॉपिक हैं आपके थ्योरी के, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए आपके, मान लीजिए आप करीबन 10 टॉपिक हो गए आपके, अगर आप माने अनुमान की तरह के। तो ये 10 टॉपिक में से भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब नहीं पढ़ने। देखिए थ्योरी पे सीधे हम ले चलते हैं, पहले ही पेपर निकालते हैं, तो यहीं से आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, रिपीट नहीं होंगे। तो ये ज़्यादा फोकस इसमें ना करिए कि आप प्रीवियस ऐसे पढ़ते चले जाएँ। मैं उसकी जो टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ें। ठीक है, वो भी आपको दिखा दे रहे हैं अभी आपको कैसे पेपर को पुट आउट किया जाता है। तो देखिए, अगर 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, ए नंबर में, तो इसमें देखिए क्या यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट, और उसका एग्जाम्पल ड्रॉ करना है। और यहाँ पे 3 नंबर्स आपको मिनिमम आपको फ्लो करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन किसका आया, फ्लो चार्ट चैप्टर का, यानी कि मतलब बेसिक जो शुरू का चैप्टर है उसका ही आपका पूछा गया, पहले चैप्टर का। और इसमें कितने नंबर का दिया गया, 7 नंबर का। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्लो चार्ट को डिजाइन करना पड़ेगा जो भी आप बनाएंगे। तो आपका फ्लो चार्ट हो गया। उसके बाद डेवलप फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट मैक्सिमम गिवन 3 नंबर्स पे आपको उसमें डिजाइन करने। तो करना कुछ नहीं है, एक आपको चार्ट बनाना, उसके जो भी आउटपुट आए उसको आपको लिख देना, 7 नंबर मिल जाएंगे, सिंपल सा है। 2nd नंबर, व्हाट डू यू मीन डिसीजन मेकिंग इन सी, विच आर द स्टेटमेंट इन सी टू प्रोवाइड फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, सब टाइटल भी आपको बताना। तो ये हो गया आपका कौन सा, जैसे कि मैंने बताया भी आपको यहाँ से, नेस्टेड इफ कंडीशन है, तो सारा लूप और स्टेटमेंट की कंडीशन के अंदर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। टाइप डेफ हो गया। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर से देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आपको दिया गया। उसके बाद 6 नंबर है। अब ये देखिए पूछा गया, व्हाट डू यू मीन, सॉरी ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, हाँ 6 का बी है ये। ए पे पहले देखें क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या है डेफिनेशन विद एग्जाम्पल सिंटेक्स, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या इसमें क्या करना था आपको, यूजर डिफाइंड की फंक्शन लिखनी थी, मुश्किल से 1 या 2 लाइन की होगी, 3 लाइन की फंक्शन हो गई। एक्सप्लेन दी फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन का डिक्लेरेशन, यानी कि जो सिंटेक्स होता है, यानी कि इस प्रकार से हमको लिखना होता है कि यहाँ कंडीशन लगेगी, यहाँ ये लगेगा, फंक्शन विद सिंटेक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। अभी यूजर डिफाइंड का ये कोई एग्जाम्पल आपने दे दिया, अब इसमें आप एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, 2+2 का भी बना सकते हैं अगर आपको इसकी कंडीशन को लिखना आता है, वो भी आपको दिखा दें कैसे आप कर सकते हैं। बी नंबर, अब ये है आपका हाउ टू डिक्लेयर, से 1D लिख दिया, 2D लिख दिया, तो आप देख के समझ जाएंगे किसका चैप्टर है। 3x3 लिखा है, मैट्रिक्स, यानी कि क्वेश्चन कितने नंबर का, 8 नंबर का, और किस चैप्टर का आया है, सिंपल सा है यहाँ पे चैप्टर नंबर जो है एरे से, क्योंकि 1 to 2D एरे किस में, सब एरे में। तो मैंने आपको बताया ना कि थ्योरी जो क्वेश्चन है वो इसी से बनते हैं आपके। ये टॉपिक है, ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव के टॉपिक, क्योंकि छोटे टॉपिक है, इसमें थ्योरी नहीं रटनी है। तो इनके अंदर जब आप घुसेंगे, लूप के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, एरे के अंदर, 1D मिलेगा, 2D मिलेगा, 3D मिलेगा, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल मिलेगा। लूप के अंदर जाएंगे तो उसी के अंदर आपको डू वाइल जितने एग्जांपल्स होंगे वो मिलेंगे। फंक्शन के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी फंक्शन मिलेंगे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, सभी के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन मिलेगा। तो इसी सबकी थ्योरी में से सबकी डेफिनेशन जो भी होगी, जो भी हेडिंग होगी, लूप है तो लूप की डेफिनेशन, डू वाइल है तो डू वाइल की डेफिनेशन, उसका एक सिंटेक्स आप सीधे सीधे समझ लें। यहाँ पे एक डेफिनेशन तैयार करनी है सभी की, इसमें कोई भी टाइम आपका वेट नहीं होगा। मुश्किल से कितनी डेफिनेशन होगी, हम जैसे लूप की बात करें उसमें 4 से 5 पॉइंट है, और स्टेट्स और एरे में भी 3 से 4 पॉइंट है। तो सभी को अगर मिला ले 10 इंटू अगर 3-3 भी डेफिनेशन ले लें तो कितनी डेफिनेशन हो गई, 30 डेफिनेशन हो गई। आपको तैयार करनी है 30 सिंटेक्स हो गए उसी के, और प्लस 30 एग्जाम्पल। तो अगर 30 एग्जाम्पल अगर आप तैयार कर लेंगे तो अगर मान लीजिए उसमें तो कोई प्रोग्राम भी आ जाता है तो आपको यहाँ से टाइम बच जाएगा। तो क्या समझ में आया, 30 कम से कम थ्योरी पढ़नी है, डेफिनेशन उसी के 30 हो गए आपके सिंटेक्स, 30 या 50 आप जो भी जोड़ के चलें, और उसके एग्जाम्पल। तो आपका पूरा जो सी है इसी से कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी। आप शायद मिला लें, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए लगभग इसमें से सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर है, देखिए 7 नंबर डिफाइन द स्ट्रक्चर, आपको डिफाइन करना, ये आपका प्रोग्राम हो गया। लिस्ट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लूप अवेलेबल इन सी, एग्जांपल एंड वन सुटेबल। तो मैंने क्या कहा था अभी आपको, सी का देखिए एग्जांपल पूछा गया तो सी का लूप बताना है, उसका सिंटेक्स और उसका एग्जांपल हो गया। देखिए सारे क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, स्ट्रिंग में आपको 2 फंक्शन दे दिया, स्टार कॉपी और स्टार कैट का क्या अंतर होता है, कैसे उसका। तो ये सारी क्लासेस यहाँ पे, ये जो अगर आप वीडियो देखेंगे ये वाला बैच जो लगाया था इसमें, ये सारे बहुत अच्छी क्लासेस हैं, इसमें प्लीज़ इसको जरूर फॉलो करें। इसका लिंक दे दूंगा मैं व्हाट्सएप पे भी, और इसमें सारे आपको थ्योरी कैसे प्रोग्राम बनाने वो सब मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं, ये सारे देखिए 5-5 नंबर में है, और ये सारे क्वेश्चन जो थ्योरी में अभी बता रहा हूँ हेडिंग वाइज इन सभी में है। ठीक है, उसके बाद है, और मैंने देखा था 9th नंबर में, देखिए क्या पूछा गया, एक्सप्लेन कॉल ओसी माल ओसी, ये आपका मेमोरी एलोकेशन फंक्शन के क्वेश्चन है। डिफाइन पॉइंटर्स कहा गया देखिए क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए फंक्शन का हैंडलिंग में एफ ओपन एफ सीक, तो ये छोटे छोटे जो है फंक्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। राइट प्रोग्राम स्वैप टू नंबर करना है, तो ये और सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरी को पढ़ने का तरीका। कोई और पेपर भी आपको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 का पेपर उठा लीजिए आप, उसमें भी क्वेश्चन इसी प्रकार के मिलेंगे। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, जिससे कि आपके डाउट्स जो हैं वो सारी दूर हो जाएंगे। तो देखिए, कंपेयर द यूजेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, विच वन कन्वीनिएंट, उसका एग्जांपल और इन दोनों का थ्योरी आपको बतानी है। तो ये किसका होगा, नेस्टेड इफ वगैरह ये सारा कौन से चैप्टर में आ जाता है, ये स्टेटमेंट और लूप इन्हीं के बीच का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन दी ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, ये सब उसी चैप्टर का आ गया, स्टेटमेंट चैप्टर का। राइट प्रोग्राम ये हटा दीजिए, प्रोग्राम पे अभी हम नहीं आते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन दी डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डाल दिया गया, ये भी आपका प्रोग्राम है। अब इसी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये आपका फाइल हैंडलिंग का हो गया देखिए चैप्टर का क्वेश्चन। एक्सप्लेन दी अंडर स्टैटिक वेरिएबल हो गया आपका, स्टोरेज क्लास का हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, थ्योरी के लिए लूप से आप उठाएंगे स्टेटमेंट, एरे, स्टोरेज, इन जितने भी ये टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी हमसे पीडीएफ परचेज किया उनके पास तो होगा ही, इनके पास नहीं है वो भी नोट कर ले। इंग्लिश वाली जो है उसमें भी ये अवेलेबल है। ठीक है, ये हिंदी वाली है, अभी इसका मैं इंग्लिश वाला भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये है इंग्लिश के नोट्स, जिन्होंने लिए होंगे उनके पास जरूर होंगे। और जो भी पीडीएफ्स हैं उसमें इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल और सिंटेक्स दिए जिससे कि आपको तैयार हो जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा टॉपिक कम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे मैं किसी पे आता हूँ, जैसे कि स्विच केस का रूल है, तो ये देखिए कितना सिंपल सा इसमें दिया गया, 2-4 लाइन आप देख लें। ये होता है इसका सिंटेक्स, और इसी के नीचे होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा, ये आपको लिख के चले आना है, बस सिंपल सा करना है। स्विच केस शुड बी मस्ट डिफॉल्ट लेबल, स्विच केस का डिफॉल्ट लेबल है। ठीक है, तमाम इसमें मिल जाएंगे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जैसे कि ये है, अब इसने फ्लो चार्ट भी दिया, सी वाइल लूप है, सी वाइल लूप है, ये आपके हो गई कंडीशन, ये हो गया इसका सिंटेक्स। अगर डायग्राम आता बना तो बना दे, नहीं तो कोई बात नहीं, सीधे ये एग्जाम्पल लिखें इस प्रकार से, खत्म, इसका आउटपुट ये। ठीक है, तो ये आपको करना है, सिर्फ इतनी चीज़ें आपको तैयार करनी है। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, इतनी चीज़ें आप पढ़ लें जो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से आपका क्या क्या तैयार हो गया। इसमें से क्वेश्चन है 60 नंबर का है, लेकिन इसमें से 60 नंबर से हम इसमें देते हैं आपको 40 नंबर दे देते हैं थ्योरी के लिए, जो कि सिर्फ थ्योरी आएगी एग्जाम्पल सेंटेंस का। 20 नंबर हम छोड़ेंगे इसमें प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अभी प्रोग्राम पे आते हैं। तो 40 का ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, कहाँ से नहीं मिलेगा, थ्योरी के लिए बता दिया। बुक नहीं है तो पहले परचेज करें, नोट्स और गेस्ट पेपर। ठीक है, और अब आते हैं 20 नंबर हम इसमें छोड़ रहे हैं प्रोग्राम के लिए। 20 नंबर में मान लीजिए आपको 4-4 नंबर देते हैं, तो 2 या 3 प्रोग्राम आपको आराम से 3 से 4, 4 से 5 प्रोग्राम मिल सकते हैं। उसमें थ्योरी भी ऐड की जा सकती है। ठीक है, तो उसमें 20 नंबर देते हैं। तो इसको आप तैयार करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, रिपीटेड, पहले तो रिपीटेड पे आएंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उतने वो देर देख ले। जैसे कि अभी स्वाइप नंबर का था, जो बेसिक्स वाले होते हैं, जैसे कि वॉबल्स हो गया आपका, ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, लीप ईयर हो गया, ये जो बेसिक्स वाले जो प्रैक्टिस वाले होते हैं वो उसमें दिए होंगे पक्का आपके, आप देख सकते हैं। हाँ, जैसे ये देखिए, राइट इज बिकम सम ऑफ लोअर ट्राइंगल, जो पहले इसमें सारे दिए हैं, इसको आप जरूर तैयार कर लें, प्रीवियस से निकाल लें, क्वेश्चन टिक कर लें। बाकी अगर पीडीएफ की बात करें जो हमने आपको दी थी वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, प्रोग्राम वाली, उसमें लगभग बहुत प्रोग्राम है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये तो इसमें 155 पेज की है, इसमें सारे बेसिक्स से प्रोग्राम दिए गए हैं। ठीक है, इसमें सारे प्रोग्राम ही प्रोग्राम की जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इससे भी आप जो बेसिक्स से शुरू के बेसिक्स से प्रोग्राम है, चैप्टर वाइज है, इसमें चैप्टर वाइज आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नहीं हो तो जो प्रीवियस इसमें आए उसको तैयार कर लें, और जो इंपॉर्टेंट की वीडियो यहाँ पे आपको लगाई गई है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताए गए हैं, बेसिक्स वाले जो रिपीटेड होते हैं, जैसे कि वॉबल हो गया, इंटीजर हो गया, आपका पेलोड्रोम नंबर हो गया, फेबरेंसी सीरीज हो गई, या फिर स्वैप करना 2 नंबर का, या फिर 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर प्रिंट करना, ये जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वो आप तैयार कर लें। तो यहाँ से आपके 20 नंबर के थ्योरी प्रोग्राम आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कंडीशन जो बेसिकली लगेगी, लूप के क्वेश्चन होंगे अधिकतर, और एरे के होंगे, पॉइंटर और स्ट्रिंग के होंगे। ठीक है, और हाँ, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो छोटे छोटे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू स्टैटिक वेरिएबल नेम, व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉइंटर, व्हाट इज स्ट्रक्चर यूनियन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर यूनियन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आप नोट कर लें। यहाँ से इसको मैं स्क्रीन पे चला दे रहा हूँ, ये बेसिक्स से है, इसको आप जरूर तैयार कर लें। ठीक है, तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा 3 पार्ट में डिवाइड कैसे इसको पढ़ना है। अब अपना नोटबुक उठा लें और बना के तैयार करें। ठीक है, फिर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका 40 और यहाँ पे 20, यानी कि थ्योरी, ये हो गया प्रोग्राम। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार करें। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।